दोस्तों आज मैं आपको ऐसे मजेदार घर के बारे में बता रहा हूं जिसकी सीमाएं दो राज्यों से मिलती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कितना बड़ा घर होगा, घर बहुत छोटा सा है, लेकिन महाराष्ट्र में बेडरूम है और तेलंगाना में किचन है, महाराष्ट्र में हॉल है और तेलंगाना में बाथरूम है। अब ये सोचिए कि पिताजी महाराष्ट्र में खाना खा रहे हैं और माता जी तेलंगाना में खाना बना रही है। अब समझिए इतना छोटा सा घर है, इस घर में 10 कमरे हैं, लेकिन ये घर दोनों सीमाओं से मिला हुआ है। लोग यहां जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कुछ लोग 10 मिनट के लिए महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो 10 मिनट के लिए तेलंगाना में आ जाते हैं। 10 कमरों वाला घर है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। और कभी महाराष्ट्र और तेलंगाना जाइए तो इस घर को घर पे जरूर घूम लीजिएगा। इस घर के बारे में बताता हूँ, ये घर जो है वो चंद्रपुर जिले के जीवती तहसील के महाराजागुड़ा गांव में स्थित है। ये महाराष्ट्र में भी है और तेलंगाना में भी है, समझिएगा। इस घर के बाहर ऐसे भीड़ लगी रहती है, ये घर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यही घर है और यहाँ एक पिलर, यहाँ दो पिलर, यहाँ तीसरा पिलर, घर खत्म। और यहीं से बीच से आधा हिस्सा तेलंगाना में है और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में है। अच्छा मैं आपको बता दूं, इस घर के जो 10-12 लोग हैं, 13 लोग इस घर में रहते हैं, पवार परिवार रहता है। इस घर के लोग दोनों जगह का हाउस टैक्स भरते हैं, तेलंगाना का भी और महाराष्ट्र का भी, और दोनों जगह की योजनाएं भी लेते हैं। मतलब महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम इतना पैसा देंगे अपने राज्यों के लोगों को, किसानों को ये माफ कर देंगे, ये योजनाएं दे देंगे, तो महाराष्ट्र के तरफ के लोगों को ये लोग इधर आके सारी योजनाएं ले लेते हैं। तेलंगाना वाले कह दिए कि हम अपने वहां कन्या विद्याधन देंगे, मैं स्कीम बता रहा हूं, महज एक स्कीम, तो ये वाले इधर जाके इधर ले लिए, क्योंकि ये दोनों जगह का टैक्स भरते हैं। अब मैं शुरुआत में बताया, पिताजी महाराष्ट्र में खाना खा रहे हैं और माताजी किचन में खाना बना रही हैं, वो तेलंगाना में। सोचिए ये लोग दुनिया के वो एकमात्र लोग होंगे जो एक से एक राज्य से दूसरे राज्य में दिन भर में 50 से 60 बार आते जाते होंगे। सोचिए बाथरूम जाना है, किचन में जाना है, आप अपने घर से कितनी बार इधर उधर जाते होंगे। तो वही इस घर के बारे में विचित्र बातें हैं, इस घर में आधा हिस्सा महाराष्ट्र में है, आधा हिस्सा तेलंगाना में है। यह हुआ कब? यह हुआ 1969 में, बॉर्डर विवाद था, दोनों हिस्सों को बांट दिया गया, बॉर्डर की जब सीमाएं खींची गई तो ये सीमाओं के बीच में ये घर आ गया। तो इसलिए आधा हिस्सा तेलंगाना में और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में। राजनीतिक दल तेलंगाना वाले भी इधर आते हैं और महाराष्ट्र वाले भी वोट मांगने जाते हैं। सोचिए कितना विचित्र घर होगा। इस घर में पवार परिवार रहता है और पवार परिवार में चंदू पवार हैं और उत्तम पवार हैं। ये दोनों लोग कहते हैं कि दोनों राज्य की सीमाओं पर ये घर है, लेकिन आज तक हम लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जो जिसे अनहोनी कहा जाए, जिसे मजाक कहा जाए। हम लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं, दोनों सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, दोनों राज्यों में आते जाते हैं और खुशी से हैं। लेकिन आपके लिए ये दृष्टिकोण घर है, क्योंकि ऐसा घर आपने फिल्मों में देखा होगा, कहानियों में सुना होगा कि बॉर्डर पर मेरा घर है, लेकिन बॉर्डर पर भारत में भी घर है और वो महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। कभी इस घर पे जाइए, यहाँ पर जाइए तो चाय पीजिएगा महाराष्ट्र में और कप रख के आइएगा तेलंगाना में। कभी जाइए तो घूम के जरूर आइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, चैनल नया है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।